हेलो फ्रेंड्स, मैं शगुफ्ता पिंकी की दुनिया फ्रॉम टैली में आपका वेलकम करती हूं। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी छोटी सी रूटीन लाइफ शेयर कर रही हूं, जो कि रात के 10 बजे से लेकर के दूसरे दिन दोपहर के 2 से 3 बजे तक की होगी। तो ये इस तरीके से आज मैं थोड़ी सी सोची कि आप लोगों के साथ अपनी लाइफ जो है डेली रूटीन लाइफ वो थोड़ी सी शेयर करती हूं। तो यहां पर मैं रात में हमारे डिनर होने के बाद मैं बच्चों के जो यूनिफॉर्म है उसे मैं आयरन करके रख देती हूं, क्योंकि रात में अगर आयरन करके रख देते हैं ना तो मॉर्निंग में बहुत ही ईजी हो जाता है, बहुत ही आराम हो जाता है, क्योंकि सुबह में इतने सारे काम होते हैं, बच्चों को तैयार करना, उनके लंच बॉक्स ये सब रेडी करना। तो मैं रात में ही अक्सर इनके जो यूनिफॉर्म होते हैं उसे आयरन करके रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैं पहले अपनी बेटी के कर रही थी, फिर देन बेटे का भी करेगी। अच्छा, यहाँ पर ना ये बहुत अच्छी बात होती है कि इनके स्कूल में लड़कियों में ना यूनिफॉर्म में आप ट्राउज़र भी यूज़ कर सकते हैं, सूट भी एंड ट्यूनिक भी। तो मेरी बेटी ने यहाँ पर सूट लिया था, पहले इन्होंने ट्राउज़र लिया था, फिर देन इनके फ्रेंड्स सारे सूट ले रहे थे, इसने भी सूट चूज़ कर लिया था। उसके बाद जब मैंने आयरन कर लिया, उसके बाद मैं यहाँ पर रात में ही प्रिपेयर करके रख ले रही थी, टिक्की बना के रख रही थी, क्योंकि बच्चों की डिमांड थी कि वो दूसरे दिन जो मॉर्निंग में लंच में वो बर्गर लेकर के जाएंगे। तो अगर हम थोड़ी सी प्रिपरेशन रात में करके रख लेते हैं ना तो बहुत इजी हो जाता है मॉर्निंग में। तो मैं यहाँ पर टिक्की बनाने के लिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप, दो आलू को मैंने मैश करके बॉईल करके मैश करके रख ली हूँ, फ्राई पैन चढ़ाई हूँ और उसमें एक चम्मच ऑयल डाला पहले, थोड़ी सी ज़ीरा डाल दूँगी, जब ये क्रैकल होने लग जाए थोड़ी सी प्याज को मैं इसमें डाल करके हल्का सा शैलो फ्राई कर लेंगे, और फिर वन बाय वन करके थोड़ी सी वेजेस, यहाँ पर मेरे पास जो भी वेजेस थे मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ, जैसे कि मेरे पास बीन्स थे, शिमला मिर्च, गाजर हैं, हरी वाली प्याज हैं, आपके पास भी जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर कॉर्न भी डाल सकते हैं या फिर गोभी भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हल्की से हमने वेजेस इसमें यहाँ पर थोड़ा सा सौते कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर फिर नमक और थोड़े से मसाले जैसे कि हल्दी का पाउडर है, मिर्च का पाउडर या फिर ज़ीरा का पाउडर, इन सब ड्राई मसालों को डाल करके हल्का सा हमने भून लेना है 1.5 से 2 मिनट तक। ये देख सकते हैं आप, मैंने भून लिया है और अच्छे से मसाले भी भून चुके हैं। मैं उसके बाद जो वेजिटेबल्स हैं वो भी हल्के सौते हो चुके हैं, पक चुके हैं, कच्चापन ख़त्म हो गया है। देन मैंने यहाँ पर आधा चम्मच यहाँ पर चाट मसाले का पाउडर डाल दिया, और उसके बाद इन सारे वेजेस को मैं यहाँ पर मिक्स कर दूँगी आलू के साथ में, जो हमने मैश करके रखा है बॉयल करने के बाद। और अब यहाँ पर मैं एक ब्रेड को इस तरीके से थोड़ा सा तोड़ करके क्रश करके इसमें डाल देंगे, उसके बाद मैश करते हुए आलू के साथ इसे मिक्स कर देंगे। अच्छा, ब्रेड मिक्स करने से ना क्या होता है कि जो टिक्की बनती है थोड़ी सी क्रिस्पी सी बन के तैयार होती है, और इस तरीके से अपने हाथों के हेल्प से इसे हमने टिक्की का शेप दे देंगे सारे को, और उसके बाद थोड़ा सा हमने शैलो फ्राई कर लेनी है इसे। बहुत ज़्यादा ऑयल में मैं फ्राई नहीं करूँगी, क्योंकि थोड़ी सी हेल्दी बनती है, बच्चे ऐसे ही दिन भर बहुत सारे अनहेल्दी चीज़ें ये खाते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने बस एक छोटी चम्मच ऑयल डाल करके इसे मैंने दोनों तरफ से हल्का सा शैलो फ्राई कर लिया है, और ये मेरी टिक्की बन करके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और इस तरीके से अगर हम रात में करके रख देते हैं ना तो मॉर्निंग में बहुत आसान हो जाता है। वैसे तो आप सभी जानते ही होंगे कि बच्चों को के तैयार करने में और मॉर्निंग में स्कूल भेजने में बहुत बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। खैर, तो मैंने इसे अच्छे से रैप कर दिया था ठंडे होने के बाद, फिर फ्रिज में रख दी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइम हो रही है 4:45, तो मैं थोड़ी सी जल्दी उठ जाती हूँ। वैसे इनके स्कूल का टाइम भी थोड़ी जल्दी है, क्योंकि 6 o'clock में घर से निकल जाते हैं बच्चे मॉर्निंग में, और वहाँ पर 6:10, 6:15 तक स्टैंड पर पहुँच जाते हैं, सब बच्चे आ जाते हैं। और एक्चुअली क्या कि बच्चों को थोड़ी सी सुबह में जल्दीबाजी भी होती है कि जल्दी स्टैंड पर पहुँचेंगे तो हमें सीट्स भी थोड़ी सी अपनी मनपसंद मिल जाएगी बस में। तो ये मॉर्निंग में फिर मैं थोड़ा सा पहले उठ जाती हूँ, मैं थोड़ी सी प्रिपरेशन पहले कर लेती हूँ, देन मैं बच्चों को उठाती हूँ। जैसे कि मैं बॉक्स इनकी रेडी कर लेती हूँ, लंच बॉक्स दूध इनके बना के रख लेती हूँ, सब कुछ अपना कर लेती हूँ, देन मैं बच्चों को उठाती हूँ, क्योंकि नुहा तो अपने से तैयार हो जाती हैं बट अरहम को मुझे तैयार करना पड़ता है, तो इसलिए सारी प्रिपरेशन हो जाती हैं, देन मैं बच्चों को मैं थोड़ी सी आसानी से अरहम को मैं तैयार कर पाती हूँ। तो सबसे पहले मैं बच्चों के लिए हॉलिस का दूध तैयार करके रख देती हूँ। दूध चूँकि बॉयल करती हूँ मॉर्निंग में भी उठ करके मैं, उसके बाद मैं बच्चे के लिए रखती हूँ, तो थोड़े से जब तक बच्चे उठते हैं तब तक जो दूध है वो नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने दोनों कप में हॉर्लिक्स डाल दिया एक एक चम्मच, और उसके बाद मैं डूल डाल दे रही हूँ, तो ये हमारी दूध रेडी हो जाएगी। जब तक बच्चे उठेंगे उसके तब तक दूध भी है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने दूध तैयार कर लिया है और उसे ढक करके मैं रख दूँगी। और अच्छा, बहुत से लोग ये कहते हैं ना कि खाली पेट में दूध नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं शुरू से बच्चों को देती आई हूँ। माशाल्लाह से बेटी मेरी 14 ईयर की हो चुकी हैं, बेटे भी मेरे 10 ईयर के हो चुके हैं, माशाल्लाह से किसी तरह की कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं आई है। तो मैं इसलिए मॉर्निंग उन्हें दूध देती हूँ, खुद को भी एक सेटिस्फेक्शन होता है, क्योंकि दूध जो है वो एक कम्प्लीट मील के बराबर होता है, तो लगता है कि चलो हमने बच्चे को कम से कम एक ग्लास दूध भी अगर बच्चे पी ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती है। साथ में मैं यहाँ पर थोड़े से कॉर्नफ्लेक्स को भी रेडी करके रखी हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन 2-2 चम्मच भी। मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चे कुछ सॉलिड फूड भी खा करके घर से जाएँ, तो मैंने उधर वो भी तैयार करके रख लिया। लेकिन जब बच्चे जब तैयार हो जाते हैं
तो आखिर में मैं उन्हें कॉर्नफ्लेक्स देती हूँ। तब तक मैंने यहाँ पर अब अपनी बर्गर के प्रिपरेशन कर ले रही हूँ। उसके लिए मैं थोड़ी सी टमाटर, अनियन और कैरेट है उसे मैंने, सैरी कैरेट नहीं, ये खीरा है, खीरे को मैंने काट करके रख लिया है। और यहाँ पर मैं बर्गर को थोड़ा सा बटर डाल करके हल्का सा मैं इसे सेक ले रही हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का मुझे लगता है बर्गर नहीं मिलती, क्योंकि बच्चे का ना काफ़ी लेट नाइट डिमांड किया था इन लोगों ने कि बर्गर लेकर के जाएंगे। जब मैं रात नीचे गई और जब शॉप जो सबसे करीब था वहाँ पर से अच्छी वाली बर्गर बन नहीं मिली, ठीक ठाक थी तो मैंने ले लिया था। उसके बाद जी मैंने ना बन को सेक ली हूँ और उसके बाद फिर मैंने पिज़्ज़ा सॉस और फिर मेयोनीज लगा करके इसे अच्छे से स्प्रेड कर ले रही हूँ। और उसके बाद फिर दोनों तरफ से हल्का हल्का सा मैंने इसमें लगा दिया है। और उसके बाद जो हमने वेजेस काट करके रखा था, खीरा, टमाटर और प्याज का स्लाइस, उसे मैंने इसके ऊपर रख दिया। अच्छा, जिसे मैंने जो टिक्की को फ्रिज से निकाल करके पहले मैं रखती थी ताकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए, तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गया है। और अब मैंने इसे हल्का सा गर्म कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रिज में रखने से ठंडी हो जाती है। और इस तरफ मैं थोड़ा सा यहाँ पर चिली फ्लेक्स यहाँ पर मैं डाल देंगी इसके ऊपर। और यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा मैंने स्प्रिंकल कर दिया था चिली फ्लेक्स भी और थोड़ा सा ऑरिगेनो भी, तो उससे थोड़ी सी बर्गर की टेस्ट बहुत अच्छी हो जाती है। और इस तरीके से मैंने इसे कवर कर दिया और इसके बाद मैं इसे टूथपिक से थोड़ा सा इसे पैक कर दूंगी ताकि ये थोड़ा सा हिले नहीं, अंदर से इसकी जो भी वेजेज है वो इधर उधर गिरे नहीं। तो ये हमारी बच्ची के टिफ़िन में मैंने दोनों की बर्गर डाल दी हूँ। और थोड़ा सा मैं फ्रूट्स डाल दूंगी, वैसे तो हालांकि फ्रूट्स एक कह सकते हैं आपकी बस फॉर्मेलिटीज़ होती है डालने की, खाना तो बिल्कुल भी नहीं होता है इन लोगों को, लेकिन फिर भी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए डाल ही देती हूँ। कि शायद कभी कभी क्या होता है कि भूख लगी होती है तो खा भी लेती हैं, और फिर कभी कभी क्या होता है कि दिल्ली में इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है कि बच्चे बस इनकी ट्रैफिक में हमेशा फंस जाती हैं, तो फिर उसके बाद इन्हें जो चीज़ें ये टिफ़िन में नहीं खाना पसंद करते हैं, फिर भूख जब लगती है ना तो फिर टिफ़िन खोल खोल करके खा लेते हैं। तो अक्सर ये लोग फ्रूट्स जो है वो बस में ही बैठ करके खाते हैं जब ट्रैफिक में फंसते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पर थोड़े से फ्रूट्स भी दे दिए थे और फिर यहाँ पर इनके लंच बॉक्स भी रेडी हो चुके थे, देख सकते हैं आप, इनके टिफ़िन भी रेडी हो चुकी। और उसके बाद अब यहाँ पर जो कॉर्नफ्लेक्स मैंने रेडी करके रखा था, बच्चे भी उस तरफ रेडी हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर कॉर्नफ्लेक्स अब डाल दूँगी। नुहा तो खुद से खा लेंगी लेकिन आराम को मुझे थोड़ा सा खिलाना पड़ेगा। तो अब ये मेरी रेडी हो चुकी, किचन के काम ख़त्म हो गए। अब मैं जाके जल्दी से बच्चों को तैयार कर दूँगी और उसके बाद फिर बच्चों को मैंने तैयार करके भेज दिया था। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर बच्चों को तैयार करने के वक्त में या बच्चों को जाने के वक्त में मैं शूट बिल्कुल भी नहीं कर पाई थी, क्योंकि एक तो फर्स्ट टाइम मैं इस तरीके से शूट कर रही हूँ, और दूसरी बात कि कभी कभी ट्राईपॉड हिल जा रहे थे बच्चों के आने जाने में। सुबह में इतनी जल्दी बाजी रहती है ना बच्चों को तैयार होकर निकलने में कि मैं शूट भी नहीं कर पाई। खैर, इंशाल्लाह अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं नेक्स्ट टाइम से ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसके बाद में जब बच्चे चले गए थे, मेरे हस्बैंड लेकर के गए दोनों बच्चों को पहुँचाने के लिए, तब तक मैं सोची इत्मीनान से मैं चाय पी लेती हूँ। तो दिल्ली में क्या हो रहा है कि अभी कंटिन्यू 3-4 दिनों से बारिश बहुत हो रही है, अब मौसम भी थोड़ा सा ठंडा सा हो गया है, तो यहाँ पर मुझे थोड़ी सी गले में खराश से महसूस हो रही थी। तो मैंने यहाँ पर अदरक वाली चाय अपने लिए बनाई हूँ। अब मॉर्निंग में ना मेरे हस्बैंड को चाय पीने की आदत नहीं है, ये नाश्ते के बाद चाय लेते हैं, तो मैं जल्दी से अपने लिए चाय बना के मैंने सोची पी लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं हस्बैंड के लिए मैं अपने फिर उनके लिए नाश्ता बनाने के लिए जाऊंगी। तो अब मैं किचन में वापस से चाय पी करके आ गई हूँ और अपने हस्बैंड के लिए मैं यहाँ पर नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते में मैं यहाँ पर इनके लिए पोहे तैयार कर रही हूँ। यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि वैसे ये जब टिफ़िन लेकर के जाते हैं लंच, तो फिर मैं उसी तरीके से नाश्ता तैयार करती हूँ ताकि टिफ़िन में भी देने में आसानी हो जाती है, लेकिन आज ये लंच बॉक्स बोले के लेकर के नहीं जाएंगे क्योंकि इन्हें नुहा के स्कूल जाना है। तो मैं यहाँ पर पोहे की तैयारी कर रही थी। पोहे डालने में मैंने क्या किया कि पहले मैंने एक चम्मच ऑयल डाल दी हूँ, उसके बाद मिर्च और अदरक बारीक काट के डाल दिया था, फिर राई थोड़ी सी डाल दी, प्याज को फ्राई कर लिया थोड़ा सा, उसके बाद मैं थोड़ी सी आलू भी ऐड करती हूँ तो बारीक काट के आलू कर दी थी, और उसके बाद कड़ी पत्ता भी डाल दिया था, थोड़ी सी मैं बीन्स भी एक मुट्ठी बारीक कटा हुआ ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पर इस वेजेस को मैं अच्छे से यहाँ पर फ्राई कर लूँगी और उसके बाद यहाँ पर मैं इसमें नमक और फिर हल्दी डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और आधी छोटी चम्मच मैंने नमक हल्दी डाल दी हूँ, उसके अच्छे से इसे भून लूँगी। और उसके बाद मैं यहाँ पर बारीक कटा हुआ फिर टमाटर हम इसमें ऐड कर देंगे। तो एक मीडियम साइज़ के टमाटर को मैंने इसमें ऐड कर दिया, इसे अच्छे से हमने मिक्स कर लेनी है। और उसके बाद बिल्कुल ज़रा सा पानी, बिल्कुल हाफ कप पानी डाल करके मैं इसे कवर करके इसे मैं पकने दूंगी करीब 4-5 मिनट तक। बस हमारा मकसद यह है कि हमारे जो थोड़ी सी जो हमने आलू इस्तेमाल किया है वो थोड़ी सी हल्की गल जाए और टमाटर भी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। जब तक उधर हमारी टमाटर सॉफ्ट हो रही है, आलू गल रहे हैं, तब तक मैंने यहाँ पर एक कप पोहा को इस तरीके से पानी में अच्छे से वॉश करके इसके पानी को सारा ड्रेन कर देंगे, और इस तरीके से ड्रेन करके पोहे को रहने देंगे। और तब तक फिर हम उस तरफ अपने चेक कर लेते हैं।
तो ये आप देख सकते हैं कि पानी जिसने थोड़ा सा तो हमने इस्तेमाल किया ही था, तो बहुत अच्छे से पानी भी सूख चुके हैं और हमारे आलू भी गल चुके हैं। तो अब इस पॉइंट पे हमने जो पोहा को फूलने के लिए दिया था वो हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से हल्के हाथों से हम मिक्स करेंगे, क्योंकि पोहा जो कि फूला हुआ रहता है तो वो चूर होने का डर होता है। और यहाँ पर एक मुट्ठी मैंने यहाँ पर गाजर बारीक कटा हुआ इसमें ऐड कर दी हूँ। बाद में ऐड करने से गाजर क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा नहीं बिल्कुल सॉफ्ट होता, थोड़ा सा क्रंची लगता है खाने में, तो बहुत मज़े का लगता है फिर पोहा खाने में। तो इस तरीके से मैंने कर दिया और बारीक कटा हुआ जो हरा प्याज था उसे भी मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दी हूँ। अच्छा जी, ये सारी वेजेस मेरी बारीक कटी हुई मेरे पास पहले से मौजूद थी, क्योंकि मैंने रात में बर्गर का जो टिक्की तैयार किया था ना, तो उसके लिए मैंने ये सब वेजेस थोड़ी सी काटी थी, तो मुझे इसलिए बनाने में पोहा बहुत आसानी हो गई। क्योंकि थोड़ी सी अगर सब्ज़ी कटी हुई रहे ना तो कोई बनाने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता अगर कोई भी चीज़ हम बना रहे हों तो। और उसके बाद हमने कवर करके इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने अपने पोहा को पकाई हूँ और इसे करीब 8 से 10 मिनट तक मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाया और बीच बीच में खोल करके मैंने 2 से 3 बार इसे बीच से चला दी ताकि तली में सटे ना। और अभी हमारे पोहा बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है और उसके बाद मैंने आधा नींबू का रस और बारीक कटा हुआ हरा धनिया बहुत सारा इसमें ऐड कर दी हूँ। तो ये हमारा पोहा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। हस्बैंड भी मेरे बच्चों को पहुँचा करके आ चुके थे जब तक वो नहा लिए, वॉश बात ले चुके थे। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर पोहा रेडी कर दिया, और क्योंकि उन्हें भी स्कूल जाना है नुहा के, क्योंकि नुहा का ना क्लास 9th में है मेरी बेटी, तो उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल हो रही है, तो उसकी वजह से पेरेंट को बुलाया गया था, तो ये आज जा रहे हैं वहाँ कुछ फॉर्म फिल करना होगा, तो इस वजह से मैंने इनको नाश्ता दे दिया। तब तक ये नाश्ता खा रहे हैं मैं जल्दी से अपनी चाय तैयार कर लेती हूँ, तो इनको चाय दूँगी साथ में मैं भी थोड़ा सा चाय पी लूँगी। एक्चुअली मुझे चाय की बहुत तलब होती है, बहुत ज़्यादा मैं चाय पीती हूँ, बस बहाना चाहिए कोई भी एक मिल जाए साथ में, मैं फट से उनके साथ में बैठ के चाय लेती हूँ। तो मैंने मॉर्निंग में हालांकि पी चुकी थी लेकिन मैंने इनके लिए चाय बनाया, तो फिर मैं थोड़ी सी अपने लिए भी चाय ढाल ली हूँ। अब यहाँ पर चाय पीने के बाद हस्बैंड भी मेरे चले गए थे नुहा के स्कूल और अब मैं यहाँ पर लंच की प्रिपरेशन कर रही थी। तो ये इन्होंने एक्चुअली हाफ डे का लीव लिया है, ये स्कूल से जब आएंगे तो बोले कि बस 12 बज जाएंगे आने में, देन भी बोले कि मैं लंच खा करके ऑफिस चला जाऊँगा। तो मैं यहाँ पर जल्दी से लंच का प्रिपरेशन कर ले रही थी, तो मैंने यहाँ पर परवल की मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, परवल की चने दाल भर करके। अच्छा, इसका ना मैं रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये वीडियो शेयर किया है। अगर आप लोगों को ये परवल की सब्ज़ी की रेसिपी चाहिए तो मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख करके ये चने दाल भर करके परवल की सब्ज़ी आप बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 बर्नर के मेरे चूल्हे थे, मैंने 4 बर्नर का इस्तेमाल करके झटपट मेरी बन गई लंच तैयार मैंने कर लिया था। तो मैंने चावल दाल और परवल की सब्ज़ी बनाई थी, उसके बाद आटा भी मैंने लगा के रख दिया था और मैं फिर पराठा तैयार कर लूँगी। तो ये बस इतना ही मैंने आज लंच में बनाया है, बहुत ज़्यादा नहीं किया, फिर पापड़ और सैलड कर दूँगी तो कंप्लीट एक मील हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरी दाल बन चुकी थी, चावल बन चुकी थी और उस तरफ दूसरी तरफ मैंने कुकर में परवल की सब्ज़ी चढ़ाई हुई है। जब तक मैंने सोचा कि मैं पराठे तैयार कर लेती हूँ इनके लिए, तो बस 2 पराठे भी बना ले रही हूँ, ये मिक्स मिला करके ये खा लेंगे। तो ये मेरी पराठे भी हो चुके थे, ये लंच मेरी हो चुकी है। मैं जल्दी जल्दी ये सब चीज़ें कर रही थी क्योंकि मेड आने वाली हैं, देन वो फिर किचन की सफाई भी कर लेगी। तो अब यहाँ पर मेरी पराठे भी मैंने सेक चुकी हैं और अब ये सब चीज़ें मैं थोड़े से साफ भी कर ले रही हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पराठे दोनों बन करके तैयार हो चुके हैं। लेकिन अब अचानक से ट्विस्ट क्या आ गया कि हस्बैंड के कॉल आ गए कि मैं ये काम मेरी जल्दी हो चुकी है, तो मैं ऑफिस थोड़ा सा जल्दी निकल जाऊँगा और कुछ मीटिंग भी उनकी निकल गई थी, तो मैंने इनको लंच में रेडी करके दे दिया। ये आए हैं बस झट झट, बिल्कुल भी नहीं रुके और ये लंच बॉक्स लेकर के ऑफिस को चले गए। अच्छा जी, यहाँ पर ना मैंने रात भर फैन के नीचे मैं यहाँ पर कड़ी पत्ता को सूखने के लिए रख दी थी, एक्चुअली थोड़ा सा ज़्यादा कड़ी पत्ता की डाली ये लेकर के चले आए थे, तो यहाँ पर मैंने रात में सूखने छोड़ दिया था। वैसे मैं धूप में डाल करके सुखा लेती हूँ, लेकिन 2-3 दिन से यहाँ जो बारिश बहुत ज़्यादा दिल्ली में हो रही है, तो मैंने रात में फ़ैन के नीचे यहाँ पर रख दिया था टेबल पे, तो बहुत अच्छे से ड्राई हो जाती है और मैं इस तरीके से जार में डाल करके इसे रख देती हूँ। तो मैंने उधर जब तक मैंने अपना कड़ी पत्ता को सेट कर लिया, तब तक मेरी इधर मेड भी आ चुकी थी। आप देख सकते हैं मेरे किचन का सारा काम भी ख़त्म हो चुका है और मेरी किचन बहुत अच्छी साफ़ हो चुकी है। और मैं थोड़ा सा लुक आप लोगों को अपने किचन का दे दे रही हूँ, बहुत बड़ा तो नहीं, छोटा सा ही किचन है बट सफिशियंट है। और फिर एक्चुअली हमने दिल्ली में करीब 3 साल से हम लोग आए हुए हैं, इससे पहले हमारे हस्बैंड की पोस्टिंग वहाँ कानपुर में थी, तो ये छोटा सा ही है बट ठीक है, सफिशियंट है, अपना नहीं है। बहुत जल्दी इंशाल्लाह अपना भी होने वाला है, तो उसका भी लुक आप लोगों को ज़रूर मैं दूंगी, ज़रूर दिखाऊंगी, टूर कराऊंगी अपने नए घर का। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये चाय के पूरी सेट यहाँ पे रखी हुई हैं, और चूँकि मैं हमेशा इंडक्शन में ही मैं ज़्यादातर चाय बनाती हूँ, तो मुझे ईज़िली यहाँ से चीज़ें लेने में बहुत आसानी हो जाती है।
थी, ये मैंने यहाँ पे कर दी। यहाँ पर ये जो ये टी सेट है, यहाँ पर देख सकते हैं कि उसके सारे कप जो है वो ख़राब टूट चुके हैं। मैं इस तरीके से इसके इस्तेमाल करती हूँ। थोड़ी सी मैं यहाँ पर नमकीन रखती हूँ कि कभी अगर मन किया चाय के साथ तो थोड़ा सा दो दाने उठा लेती हूँ। और ये एक्चुअली मैंने ऊपर जार में भरा था तो थोड़े से बच चुके थे, तो मैं यहाँ पर इसमें डाल दी। ये देख सकते हैं आप, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर स्नैक्स ये सब चीज़ें थोड़ी सी रखती हूँ मैं सामने में। यहीं नीचे प्लेटफॉर्म पे कॉर्नर में मैंने यहाँ पर अपना माइक्रोवेव रखा है ताकि ईजिली कुछ भी चीज़ें गर्म करना है या कुछ भी बनाना है तो बहुत आसानी से एक्सेस हो जाती है। और यहीं पर मेरे चाय बनने के चूल्हे हैं और इसी पर मैं अपनी कुकिंग वीडियो शूट करती हूँ। मेरी ट्राईपॉड देख सकते हैं आप रखी हुई है। और यहाँ पर एक स्टैंड रखा है जिसमें कि मैं यहाँ पर ऑयल डिस्पेंसर है या फिर कुछ भी छोटी मोटी सी चीज़ें उस पर रखती हूँ। आलू प्याज का स्टैंड भी आप देख रहे हैं सामने में, हर चीज़ें सामने में बगल में ताकि पकाने के वक्त में जो भी चीज़ें अब ईज़िली हमारी अप्रोच तक रहती हैं। और इस तरफ आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सिंक के ऊपर ही अपने बर्तन का स्टैंड रखी हूँ ताकि धो करके ईज़िली यहीं पर हैंग करते हैं ताकि जो भी पानी है वो सिंक में ही नहीं डायरेक्ट गिरता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे जो आटा और चावल की जो स्टोरेज है वो बिल्कुल सामने में ही है, क्योंकि वही जगह की कमी की वजह से जब पैकेट खोलती हूँ तो फिर डब्बे में डाल देते हैं। तो ये इस तरीके से मेरा छोटा सा लुक मैंने अपने किचन का आप लोगों को दिया था। बाकी जो कपबोर्ड है वो सब चीज़ें ऊपर की जो रैक है वो सब अभी मैं नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि बच्चों को लाने का वक्त हो गया था। मैं जल्दी से तैयार होकर के फिर बच्चों के स्टैंड आ गई हूँ। आप देख सकते हैं कितनी रश रहती है यहाँ पर रोड, कितनी ट्रैफिक रहती है। इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों की बस आने से पहले आ जाएं। तो बच्चों की बस आ चुकी थी। आप देख सकते हैं आज एक्चुअली बच्चों का लास्ट डे था एग्ज़ाम का, मिड टर्म एग्ज़ाम चल रहा था। तो बच्चों का एक्सप्रेशन देख सकते हैं आप, जिनका जैसा एग्ज़ाम गया है उस एक्सप्रेशन के साथ बच्चे नीचे आ रहे हैं कि उन्हीं का थोड़ा सा चेहरा लटका हुआ है, थोड़े से मायूस हैं और कुछ खुश खुश भी नज़र आ रहे हैं। तो अब हमारे बच्चे पता नहीं किस तरह का एग्ज़ाम गया है, उनके चेहरे से हमें भी पता चल जाएगा। ये आ गई नूहा, ये तो खुश लग रही हैं। अब और हम आ जाएं उनसे भी पूछ लेते हैं कि उनका एग्ज़ाम कैसा गया है। तो बच्चों को स्कूल से लाने के बाद बच्चे चेंज हो करके वो हमेशा की तरह से थोड़े से कंप्यूटर थोड़े से टीवी में बैठ गए हैं दोनों। जब तक मैं उन्हें जल्दी से लंच तैयार करके दे रही हूँ तो वो लोग चावल बहुत शौक़ से नहीं खाते हैं बच्चे हमारे, वो ज़्यादातर पराठा या रोटी खाना चाहते हैं, लेकिन वो परवल की सब्ज़ी भी नहीं खाना चाह रहे थे जो कि मैंने बनाया था। तो इन लोगों ने डिमांड किया कि आलू का पराठा खा लेते हैं। तो फिर मैं जो टिक्की तैयार की थी बर्गर के लिए तो वो टिक्की अभी देखे काम आ रही है, तो मैं जल्दी से उसका पराठा बना करके इन लोगों को दे देती हूँ दही के साथ। और कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी इन्हें दे देती हूँ। एक्चुअली मैं हमेशा पहले से इनका लंच भी तैयार करके रखती हूँ ताकि वो आते हैं तो खा लेते हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया चावल खाने से या फिर पराठा खाने से सिंपल। तो मैं जल्दी से गर्मा गर्म आलू के पराठे बना करके इन्हें खिला दूंगी। और कोशिश ये रहती है कि जल्दी से इन्हें लंच दूं, उसके बाद फिर मैं एक घंटे के लिए इन्हें सुला देती हूँ ज़रूर से, क्योंकि बहुत मॉर्निंग के 5 बजे के उठे हुए रहते हैं और फिर रात में भी सोने में देर हो जाता है, 11:30 तो बज ही जाते हैं, क्योंकि फिर ट्यूशन रहती है इनकी, फिर अपनी सेल्फ स्टडी रहती है, स्कूल के होमवर्क रहते हैं, तो रात में 11 या कभी कभी तो 12 भी बज जाते हैं। इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं इन्हें दोपहर में जब स्कूल से ये आएँ तो मैं इन्हें लंच खिला करके मैं एक घंटा के लिए ज़रूर दोनों बच्चों को सुला देती हूँ। ये देख सकते हैं दोनों बच्चे हमारे, दे दिया था मैंने खाना, इन्हें मैं खिला करके सुला भी दी। और ये मेरी लास्ट मेरे लिए पराठे ये रखे हुए हैं। और अब यहाँ पर जो बची हुई टिक्की थी उसे और फिर आटा को इन सबको मैं अब फ्रिज में रख दूँगी। और उसके बाद मैं थोड़ा सा किचन की सफाई भी कर लेती हूँ अब, क्योंकि अब जब मैं किचन में शाम में ही इंटर करूँगी रात के लंच सॉरी डिनर बनाने के लिए, तो ये मेरी किचन भी बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। और अब मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा अपनी शॉपिंग शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी ये देखें ग्लास की, ये काफ़ी अच्छी प्यारी सी मुझे ये हैंडल लगी हुई है, बाउल दिखी थी जो कि आइसक्रीम में या फिर कोई भी स्वीट डिश को सर्व करने के लिए बहुत प्यारा लगता है इसमें। तो ये मैं इस तरीके से 6 पीस का ये सेट था और बहुत ज़्यादा भी मुझे ये प्राइस भी नहीं लग रही थी, बहुत ही रिजनेबल प्राइस मुझे लगा था। और ये मुझे करीब 425 में मुझे ये 6 पीस मिली थी, मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी की थी, मुझे बहुत पसंद आई थी तो मैं ले ली थी। उसके साथ ही मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सर्विंग डिश ये मैंने ले लिया था, छोटा सा 2 हाफ प्लेट जो ओवल शेप में है। एक्चुअली मैं जो वीडियो शूट करती हूँ तो उसके लिए ये बहुत अच्छा मुझे लगा था, तो मैंने 2 पीस उठा लिया जो कि मुझे 1 पीस 95 रुपीज़ का पड़ा था। और उसके बाद ये छोटे साइज़ का बिल्कुल ये बाउल लिया था, ये जो कि दस्तरखान पे जब कुछ खाने के लिए देते हैं तो उसके लिए मुझे कमी लग रही थी घर में छोटी कटोरियों की, तो ये मुझे 1 पीस 130 रुपीज़ में पड़ा था। हालांकि मुझे थोड़ी महंगी लग रही थी स्टील, क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद परचेज़ कर रही थी, बर्तन की शॉपिंग कर रही थी,
और उसके बाद ये थोड़ी सी उससे एक साइज़ बड़ी है, और ये देख सकते हैं आप इसकी जो, अच्छा ये कटोरियाँ जो है ना नंबर सिस्टम से मिलती है, तो ये 9 नंबर की है, इसकी जो नंबर ये 9 है। और इसकी जो प्राइस है ये भी मुझे थोड़ी सी तो एक्सपेंसिव तो लग रही थी, बट क्या कर सकते हैं, एक पीस ये 160 रुपीज़ का मुझे ये मिला था, तो ये भी मुझे कमी हो रही थी घर में, नहीं थी एक्चुअली, क्या है कि ट्रांसफ़र होने की वजह से ना चीज़ें बहुत सी इधर से उधर मिसप्लेस हो जाती हैं, कुछ टूट फूट जाती हैं। और उसके बाद मैं ये छोटे साइज़ की एक मैंने पतीला लिया था, करीब 1 से 1.5 लीटर दूध जब थोड़ी क्वांटिटी में जब बॉयल करना हो ना या थोड़े से चावल बनानी हो तो उसके लिए, तो अर्गे वाली पतीला मुझे सोचो 790 की मिली थी, और कोई डिस्काउंट भी नहीं दे रहे थे। और सबसे अच्छी चीज़ ये यहाँ पर आप देखें, ये मुझे मिली थी जो कि इसकी प्राइस 200 रुपीज़ थी, ये जिससे हम कुछ ग्रीन टी बनाते हैं या फिर कुछ गर्म मसाले का अरक किसी में मिलाना होता है तो उसमें हम डाल के रख दें, वो फैलता नहीं है और बहुत अच्छे से इसका अरक भी निकल जाता है। इसके साथ ही मुझे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिकन बोन कटर मिला था मुझे, ये बहुत मुझे सही लगी, बहुत काम भी लगी, मैंने कभी आज तक इसका इस्तेमाल तो नहीं किया, लेकिन जब भी करूँगी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर वीडियो शेयर करूँगी। और इसका प्राइस 280 रुपीज़ में मुझे ये मिला था। इसके अलावा एक बहुत ही प्यारा सा मुझे एक बाउल मिली थी, सेट थी ये 3 बाउल की, साइज़ भी आप देख सकते हैं पूरी, एक मैं हाथ में रख के दिखा रही हूँ, और इसकी जो नीचे से ऊंचाई जो है ये करीब 4 फिंगर मैं इस तरीके से रख के दिखा रही हूँ। ये देखें कप जो हम नॉर्मल चाय जो पीते हैं कप में, उसका ये डबल साइज़ का है, देखने में छोटा लग रहा है बट ये थोड़ी सी बड़ी है। और ये 3 का सेट मिल रहा था, मैंने तीनों ले लिया था, हालांकि ऑप्शन था कि आप एक भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर तीनों ले लिया था, मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। प्राइस में आप देख सकते हैं अगर एक पीस लेती तो 100 की मिल रही थी, और 3 पीस लेने पर 280 में मिल रहा था ये, तो मैंने ये तीनों ले लिया था। साथ में ये बहुत प्यारी सी मुझे एक फोक मिली थी, फोक एक नहीं 5 है इसमें, एक्चुअली ये 6 के सेट होते हैं बट शॉप वाले के पास एक मिसिंग हो गई थी, तो ये मुझे बहुत ही कम प्राइस में मुझे ये मिल गया था, तो मैंने ये 5 ले लिया था। इसकी जो 6 की प्राइस थी ये मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ पर थी इसमें, तो ये 6 अगर मैं लेती तो 749 मतलब 750 की ये 6 पीस थी, बट चूँकि इनकी एक मिसिंग थी तो इन्होंने मुझे 200 में ये 5 पीस फोक मुझे मिल गई थी, तो ये वाली स्टील मुझे बहुत मज़े की लगी थी। अच्छा जी, अब आखिर में मैं आप लोगों के साथ जो दिखा रही हूँ वो बहुत ही काम की चीज़ है। एक मैंने डीप फ्राई पैन लिया है फ्यूचरा ब्रांड का, इसे कढ़ाई भी कह सकते हैं, और इसकी कैपेसिटी देखिए 2.5 लीटर की है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। इसकी वुडन हैंडल्स दी हुई है, और इसकी जो साइज़ भी आप देखिए बहुत ही सफिशियंट है, 4-5 लोगों की अगर फैमिली में है तो बहुत ही सफिशियंट साइज़ भी है। इसमें हम कोई भी चीज़ फ्राई भी कर सकते हैं, ग्रेवी वाले आइटम भी बहुत ही ईजिली इसमें कुक हो सकती हैं। और इसकी जो लिड दी हुई थी वो स्टील की दी हुई थी, हालांकि मैं ग्लास की लिड चाह रही थी, लेकिन खैर कोई बात नहीं, स्टील की लिड इसमें दिया हुआ था। और ये इसकी प्राइस देखें 1855 इसका MRP प्राइस था, बट इस पर हमें इन्होंने 10% डिस्काउंट इस पर मिला था हमें। तो ये थी मेरी छोटी सी शॉपिंग, थोड़ी सी शॉपिंग थी, इसमें थोड़ी सी कुकिंग थी, थोड़ी सी अपनी व्लॉगिंग थी मेरी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई हो तो ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी पसंद आती है और नेक्स्ट आप मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, और आखिर में दिल साफ रखें, ज़बान पाक रखें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, कोई अपना है उसके साथ धोखेबाजी या चालबाजी बिल्कुल भी नहीं करें। तो मेरी इस वीडियो को इन तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।